अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं विकासनगर और सहसपुर में भी विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर रैली निकाली गई। सहसपुर के गांव ढाकी से लेकर सहसपुर बाजार में विकलांगों की ओर से रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस का भी सहयोग देखने को मिला। और बता दें कि आज दिव्यांगों ने जो है रैली निकाली, विकास नगर में जो है दिव्यांगों की ओर से रैली निकाली गई। आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, तो इस पर विकास नगर में जो है रैली निकाली गई, साथ ही इस दौरान पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे, उनका भी सहयोग देखने को मिला। ने रैली निकाली है, रैली हमने ढाकी से सहसपुर ब्लॉक तक निकाली है। ये जागरूकता रैली है जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है, और ये आज का दिन हमारा ही होता है, और हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं समाज को कि हम भी समाज के एक अहम हिस्सा हैं, हमारी भी भागीदारी उतनी है समाज में जो सामान्य लोगों की है। और हमें खुशी होती है कि इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करते हैं और एक जागरूकता फैल रही है। जिस तरह से पहले विकलांग लोगों को अभिशाप माना जाता था, अब वो अभिशाप खत्म हो रहा है समाज। देहरादून जिले के रायवाला थाना क्षेत्र में 22 साल के युवक की गंगा में डूबकर मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शव को गंगा से निकालकर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए रायवाला थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार का रहने वाला 22 साल का जितेंद्र हरिद्वार के एक होटल में काम करता था। आज मंगलवार को जितेंद्र छुट्टी लेकर अपने चार दोस्तों के साथ रायवाला क्षेत्र में गीता कुटीर के पास गंगा में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान जितेंद्र का अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और वो गंगा में डूब गया। रानीखेत संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने तहसील परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में भूमि विधेयक के संबंध में बुद्धिजीवियों, काश्तकारों, अधिवक्ताओं और आम जनमानस से जमीन संबंधी सुझाव मांगे। गोष्ठी में सभी लोगों की ओर से अपने अपने सुझाव दिए गए। मुख्य रूप से सभी के द्वारा यह सुझाव दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और आयुक्त राजस्व परिषद जो है वहां से एक हमें आया था कि हम सभी जो है सारे उप जिलाधिकारी स्तर पे हम एक गोष्ठी करें, लोगों से भू विधिक जो संबंधी है उसमें उनके सुझाव मांगे कि उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि लोगों के जीवन में और सहूलियत हो। तो लैंड की सारी चीजें जो हो रही है, चाहे म्यूटेशन हो चाहे दाखा हो, हर चीज में उनके सहूलियत के लिए, तो उसी संबंध में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जहाँ पे कई हमारे जो लोग हैं सारे लोग आए, सम्मानित लोग, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। हम उन सभी सुझावों को नोट डाउन किया हमने, और सुझाव हम जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो। और उत्तराखंड के देहरादून में हत्या का एक अलग ही मामला सामने आया है। देहरादून के 42 वर्ष प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मार डाला। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसकी हत्या की, उसे उसने ही अपने बिजनेस पार्टनर को खत्म करने के लिए हायर किया था। मामले की जांच में सामने आया कि सुपारी किलर ने रियल एस्टेट एजेंट को डबल क्रॉस कर दिया, जिसकी हत्या की सुपारी प्रॉपर्टी डीलर ने दी थी। उसके साथ किलर ने मिलकर सुपारी देने वाले की ही साजिश रच डाली। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की त्रिमासिक बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड गो सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक को लेकर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि सर्दियों में निराश्रित गोवंशों को सर्दी से बचाने को लेकर चर्चा की गई। जो त्रैमासिक बैठक हुई थी तो उसमें जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे और मैं भी उस बैठक में था। तो उसमें बेसिकली जो मुद्दे थे, स्पेशली अभी आगामी आपका विंटर सीजन आ रहा है, तो जो पशु हैं उनको भी क्योंकि हम ठंड लगने संभावित है, जो निराक्षित गौवंश है, तो
तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो उस पर यही हमने निर्देश भी जारी करें कि जो अलाव है, अलाव वगैरह हैं जो वहाँ पे गौ सदन बने हैं उन पंचायतों में चुनाव नहीं कराने और प्रशंसकों की नियुक्ति किए जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगातार आक्रोश प्रकट कर रही है। वह सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति को संविधान सम्मत करार दिया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि भाजपा ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हमेशा खड़ी है। हालांकि उनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सका, लेकिन पंचायत में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ही प्रशंसकों की नियुक्ति की गई है। जिला प्रशासक की नियुक्ति की गई है वो संविधान के तहत और उत्तरांचल पंचायत राज एक्ट के तहत की गई है, और साथ ही ये नियुक्तियां कोई पहली बात नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में और अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रशासन की नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन कांग्रेस की मांगें बड़ी अनोखी होती हैं। वो कभी ग्राम प्रधानों की, कभी ब्लॉक प्रमुखों की के कार्यकाल को बढ़ाने के भी बात। ऋषिकेश से सटे नरेंद्र नगर में खुलेआम सामूहिक नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। पुलिस ने बताया कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों का आरोप है कि अब्दुल समद नामक व्यक्ति की ओर से डोईवाला से मौलवी बुलाकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ाई जाती है। हिंदू संगठन के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी ओर से सामूहिक रूप से नमाज नहीं बंद कराई गई तो हर शुक्रवार को उनके नमाज स्थल पर हिंदू संगठन के लोगों की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और उत्तराखंड की धामी सरकार ने बेटियों को बड़ी राहत दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। वहीं संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन मांगे गए हैं। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने सभी पात्र बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों से प्रमाण पत्रों को जल्द पूरा कर आवेदन करने की अपील की है। नंदा गौरा योजना को लेकर लगातार लाभार्थियों के द्वारा भी और कुछ आवेदकों के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि 30 नवंबर की आखिरी तिथि होने के कारण कई समय से जो है कई बालिकाएं जो है इसे भरने से चूक गई हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन है तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण से समय वृद्धि के लिए कहा गया और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक